गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो हाउ आर यू एवरीवन? इस बार का वीकेंड बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें काम निपटाया है। चलिए एवरीवन, ओके, यू ऑल आर एबल टू लिसन मी। सो बच्चों, आज जो है सेशन मैं बोर्ड पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा बैठ के ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं कल बहुत ज़्यादा मॉर्निंग से लेके कल वीडियो सारे बना बना के डाल डालने में कल पूरी रात ऐसे ही निकल गई मेरी। अभी भी कुछ वीडियोस हैं जो आने हैं, आज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जो है थोड़ा सा बैठना चाह रहा हूँ ताकि आगे के भी सेशन आज मैं प्रॉपर ले पाऊँ। तो जस्ट यू हैव टू फील सेम एनर्जेटिक एज इन बोर्ड। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों थोड़ा सेशन यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टैबलेट पे आप लोगों को पूरा सेशन करा रहा हूँ, तो आराम से बने रहिए, रिलैक्स होकर थोड़ा पढ़िए, ठीक है ना। एनर्जी को अपनी मेंटेन करिए ताकि हम इसका दिन का बेहतर यूज़ कर पाएँ, सुबह ही ना थक जाएँ, ठीक है ना। बाकी बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखिए, क्योंकि अभी वो क्या है, प्रैक्टिकल वाले चैनल में डलता है। एक्सपेरिमेंटल वीडियोस जो हैं उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा होता है, तो वह एक्सपेरिमेंटल वीडियोस अभी डलते हैं हमारे प्रैक्टिकल वाले चैनल में, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ आपस में, ग्रुप्स में, कमेंट्स में, कहीं भी सर्कुलेट करिए, लेकिन उसको थोड़ा सा करिए, बिकॉज दीज आर वेरी बेनिफिशियल। कल के दिन जब आप भी किसी स्किल टेस्ट या किसी से भी डिस्कशन करेंगे तो आपके पास कई तरह के एग्जाम्पल्स होंगे इसके थ्रू, ठीक है ना। ये आगे आप जाके भी कहीं स्टडी करेंगे या किसी को पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार फेस दिखा दीजिए प्लीज़। अभी फेस दिखाने लायक हालत नहीं है, वैसे तो वैसा नहीं है, नहा धो के बैठा हूँ मैं फ्रेश बिल्कुल, लेकिन ये सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी मुझे सारी। तो अभी फ़िलहाल मैंने सेटिंग हटा रखी है, कैमरा ऑफ है, ठीक है ना। तो प्लीज़ उस चीज़ को जरा सा ध्यान दीजिएगा कि वो एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, न्यू चैनल्स को सब्सक्राइब करवाइए सबको, ठीक है ना। तो चलिए मुझे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। लास्ट हफ्ता हमारा काफ़ी कुछ किया, इस हफ्ते भी अब जो है बहुत सारी चीज़ें करनी है। टेस्ट का जो है नोटिफिकेशन मैं आज ही डाल दूंगा ताकि आप लोग जो है पूरे हफ्ता आपको मिले प्रिपरेशन करने का, क्लियर है। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन। तो यहाँ पे बोर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड और वाइट चौक हम लोग यूज़ करेंगे आज सेशन के लिए, दैट लुक्स नाइस। तो यहाँ पे बच्चों मैं बात कर रहा था, हमने इससे पहले बात करी थी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की अगर बात करें, सॉरी, इससे पहले हमने बात की थी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की हमने बात की थी, इंटरकूलर वगैरह के बारे में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास, दैट इज हमारा रोटरी कंप्रेसर की, ठीक है। टेस्ट का रिजल्ट बच्चों, टेस्ट का रिजल्ट आप लोगों का डल चुका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट का रिजल्ट आपका, अपनी साइट खोलेंगे आप नॉर्मली, जो साइट खोलते हैं, ठीक है ना, अपना मेक इट ईजी साइट खोलिएगा, उसमें नोटिस बोर्ड में जाइएगा, ये नोटिस बोर्ड है यहाँ पे, नोटिस बोर्ड को क्लिक करेगा, नोटिस बोर्ड में यहाँ पे मॉक टेस्ट रिजल्ट लिखा है, सारे टेस्ट के रिजल्ट अब यहीं डला करेंगे। आप मॉक टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ दिखाएगा, उस पीडीएफ पे क्लिक करेगा जिसमें डेट वाइज टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पीडीएफ खुल जाएगा जिसमें आपका टेस्ट रिजल्ट है सभी बच्चों का, ठीक है ना। तो उसमें जो है मेन मेन चीज़ें शो कर रहा है, रैंक, स्कोर, टोटल, परसेंटाइल। तो जितना मैंने ग्रीन करा हुआ है ये कट ऑफ क्लियर करने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, और जो डार्क ग्रीन है दे आर द टॉपर्स। तो ये यहाँ पे टोटल लिस्ट आपको मिल जाती है टेस्ट की, और हर टेस्ट की यही डला करेगी लिस्ट, ठीक है। ठीक है, टेस्ट की फीस बच्चों कुछ नहीं होती है, टेस्ट फ्री होता है, ठीक है ना। फिर भी कुछ बच्चों ने फीस, तीन तीन चार बच्चों ने फीस जमा कर दी थी तो मैंने उनकी लौटाई है, फिर भी एक दो है जो मुझे संपर्क नहीं करें अभी, तो वो मुझे संपर्क करते हैं तो मैं उनकी 100 रुपये जो है वो वापस कर दूंगा, क्योंकि दो बच्चों के तो मैंने कर दिए हैं, चार बच्चों ने गलती से फीस जमा कर दी थी
तो दो को मैंने, चारों को मैंने मैसेज किया, लेकिन दो का मुझ पे रिप्लाई प्रॉपर आया है, क्योंकि मैं जानता भी था, तो मैंने उनके वापस कर दिए हैं। और जो दो बच्चे हैं जिन्होंने और की है, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बच्चों, अब भूल जाइए थोड़ी देर सब कुछ, हम बात करने वाले हैं आज रोटरी कंप्रेसर की, रोटरी कंप्रेसर की, ठीक है ना। देखिए, रोटरी कंप्रेसर हम लोग बोलते हैं जहां पे रोटेशन बेसिस पे कंप्रेसर हमारा रन करता है। लेकिन यहाँ पे भी रोटरी कंप्रेसर की बात करें, जैसे हमने स्टार्टिंग में कंप्रेसर बोला था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप है, डायनेमिक टाइप है, तो रोटरी ऐसी टर्म है जो हमें डायनेमिक में भी दिखाई देती है और डिस्प्लेसमेंट टाइप में भी दिखाई देती है। इसीलिए उस दिन मैंने जब कंप्रेसर आपको मैं बता रहा था, तो मैंने जब बोला था कि डायनेमिक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और आपके डायनेमिक टाइप, तो डायनेमिक में मैंने रोटरी लिखा था, फिर मैंने इसलिए हटाया था क्योंकि रोटरी जो है वो दोनों में देखने को मिलेगा, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए रोटरी कंप्रेसर को हम अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब रोटरी कंप्रेसर की बात करते हैं, तो कुछ खास पॉइंट्स होते हैं रोटरी कंप्रेसर के ऊपर, ठीक है ना। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है ना। रोटरी कंप्रेसर में एक सिंपल सी चीज याद रखिए, ये क्या होते हैं, इसमें मेन जो पॉइंट होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के कंपेयर में, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के कंपेयर में ये होता है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप में हम लोगों ने देखा था, जैसे रेसिप्रोकेटिंग था, तो उसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूस फ्लो की जो प्रॉब्लम हमेशा रहती है, जिसके लिए हम लोग डबल एक्टिंग भी यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, तो रोटरी कंप्रेसर हमारे जो मेनली होते हैं, इट इज यूज टू सप्लाई, तो जो मेन पॉइंट है वो इसका पहले यही है, इट इज यूज टू सप्लाई कंटिन्यूअस पल्सेटिंग फ्री कंप्रेस्ड एयर, यूज टू सप्लाई कंटिन्यूअस पल्सेटिंग फ्री, पल्सेटिंग मतलब जिसमें फ्लक्चुएशन हो, पल्सेटिंग फ्री, ठीक है ना, पल्सेटिंग फ्री कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर। तो याद रखिए, पल्सेटिंग फ्री मतलब होता है बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है ना, पल्सेटिंग फ्री, कोई झटके नहीं ले रहा है, सीधा सीधा डायरेक्ट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात। नाउ अब यहाँ पे समझिए, तो जो हमारा पिस्टन सिलेंडर होता है, पिस्टन सिलेंडर की जगह पे यहाँ पे आ जाती है केसिंग, केसिंग किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ पिस्टन सिलेंडर, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की जगह पे यहाँ पे हमारे पास केसिंग हमें दिखाई देती है, ठीक है ना, ये मेनली अंतर इसमें रहेगा। ठीक है, हमारे ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, मोर कॉम्पैक्ट, ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, अब ऑब्वियस ही बात है कॉम्पैक्ट होंगे क्योंकि सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर सेक्शन जो है वो सबसे कम स्पेस लेते हैं, तो इसलिए ये हमारे ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। और आपको पता है कि अगर मैं कोई रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, रेसिप्रोकेटिंग मतलब स्लाइडिंग सिस्टम, ठीक है ना, और मैं किसी रोटेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो अब मुझे सिंपली आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से बताइए सबसे ज्यादा जो इम्बैलेंस होगा या सबसे ज्यादा जो अनबैलेंस होगा वो कौन सा होगा, बताइए। तो आप सबको पता है बच्चों, थ्योरी ऑफ मशीन आप लोगों ने पढ़ा है बैलेंसिंग, कि रेसिप्रोकेटिंग जो स्लाइडिंग बॉडीज होती हैं, जो स्लाइडिंग सरफेसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादा अनबैलेंस होते हैं, मोर अनबैलेंस, है ना, मोर अनबैलेंस होते हैं। और ये जो हमारे रोटेटिंग सरफेस होते हैं वो कंप्लीटली बैलेंस होते हैं, कंप्लीटली बैलेंस होते हैं, ये हमने पढ़ा है बैलेंसिंग में, रोटेशन रोटेटिंग बॉडीज आर कंप्लीटली बैलेंस, और ये क्या होती है, ये कंप्लीटली बैलेंस नहीं होती है, ये होती है हमारे पार्शियली बैलेंस स्लाइडिंग बॉडीज, ठीक है ना। तो ऐसे में हम क्या बोले कि जो हमारे रोटरी कंप्रेसर्स होंगे, दे आर मोर वेल बैलेंस्ड, दे आर मोर वेल बैलेंस्ड एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग के, ठीक है ना, और उसके कंपेयर में ज्यादा हाई स्पीड भी होते हैं। तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट होते हैं इनके ऊपर जो हम ध्यान रख सकते हैं, क्लियर है, समझ आ गई बात, ठीक है ना। नाउ अब इसकी अगर मैं सिंपली क्लासिफिकेशन बताऊं, ठीक है ना, सिंपली अगर मैं क्लासिफिकेशन बताऊं, तो अब ए रोटरी में मैंने आपको एक तो ऑप्शन दिए थे कि
एक तो चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जैसे फैन, ब्लोअर, ठीक है ना, और कंप्रेसर, इनमें मैंने अंतर जो है वो आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि फैन, ब्लोअर, कंप्रेसर में प्रेशर रेशियो का क्या अंतर है। तो एक बार मुझे बता दीजिएगा वापस, प्रेशर रेशियो जो है वो कितना कितना होता है फैन में, बताइए एक बार, बताइए क्या क्या होता है। मैंने आपको बताया था, किसी भी बच्चे को याद हो, दैट इज़ 1 पॉइंट समथिंग। तो मैंने कहा था इट शुड बी लेस देन 1.1, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और इधर ब्लोअर में लगभग 1.1 से लेके 1.2 के आसपास है ना, और एक कंप्रेसर में जो है वो मोर देन हमारा चले जाता है इससे, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा मोर देन 1.2 भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है ना, समझ आई बात ना। अब यहाँ पे एक डेटा मैं और देता हूँ आपको कि अगर प्रेशर राइज बोलता है, प्रेशर राइज इन एमएम ऑफ वाटर, ठीक है ना, क्योंकि बुक में ये इस तरह के डेटा दिए रहते हैं, तो कभी कभी इस बारे में भी बात कर सकता है कि प्रेशर राइज इन एमएम ऑफ वाटर, एमएम ऑफ वाटर में आपको प्रेशर राइज पूछता है कि कितना होगा इसी इन्हीं में, फैन में, ठीक है ना, फैन में, ब्लोअर में, कंप्रेसर में। तो याद रखिएगा जब हम फैन की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम, ठीक है, हमने 1 to 2.1, 1.1 to 2.3 बोला है ना ब्लोअर, तो आप रेंज कर सकते हैं 2.3, 2.3, फिर ये कितना जो लिखा रखा वही रखो, बार बार चेंज मत करो, क्योंकि बुक्स में तो रहता ही है अलग अलग थोड़ा थोड़ा, तो जो लिखा रखा है मैंने वही रखो आप, 1.1 to 2.3 और ग्रेटर देन 2.3, ठीक है, ठीक है, तो यही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर राइज इन एमएम ऑफ वाटर, एमएम ऑफ वाटर में प्रेशर राइज बोलते हैं, तो दैट इज 1136 1136 एमएम ऑफ वाटर, ठीक है, फैन के लिए ये प्रेशर राइज रहता है 1136, और इधर जो है वो रहता है 1136 to 2066 एमएम ऑफ वाटर, और इधर बात करते हैं तो इट विल बी ग्रेटर देन 2066। ये क्या है बच्चों, प्रेशर राइज है कि जो हमारा P2 है वो P2 कितना होगा, तो वो P2 जो है फैन के लिए होता है 1136 mm ऑफ वाटर, ब्लोअर के लिए 1136 से लेकर 2066 mm ऑफ वाटर, और कंप्रेसर के लिए ग्रेटर देन 2066 mm ऑफ वाटर। तो mm ऑफ वाटर को चाहे तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप सिंपल रोजी से मल्टीप्लाई करके, क्लियर है, ये इतनी सी बात समझ में आई नाउ। अब समझिए बच्चों आगे कि जब हम रोटरी कंप्रेसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन इसका भी हम लोग देते हैं, और ये क्लासिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेपरों में देखा गया है, चाहे वो एसएससी जेई के पेपर रहे हों लास्ट टाइम, या आरआरबी के पेपर रहे हों। तो याद रखिएगा एसएससी जेई या आरआरबी जेई, इन सब में ये क्लासिफिकेशन आपको पूछा गया है कि नाम आपके पास सिंपल रहेगा, नाम आपके पास सिंपल रहेगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, नाम आपके पास सिंपल रहेगा, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि इनमें से रोटरी कंप्रेसर कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ मैं, रोटरी कंप्रेसर अगर आपसे बोलता है तो इसको भी फर्दर हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और आपका डायनेमिक टाइप। तो रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी टाइप हो जाता है, और इधर हो जाता है डायनेमिक एक्शन और आपका रोटरी टाइप। तो याद रखिएगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, और इधर हो जाएगा हमारा दैट इज योर डायनेमिक एक्शन टाइप, डायनेमिक एक्शन और सिंपल डायनेमिक एक्शन टाइप, याद रखिए डायनेमिक एक्शन टाइप। अब इसके नीचे के जो पार्ट हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ बच्चों अब, ठीक, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो भी पार्ट आते हैं बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहां पे आते हैं आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप में, सबसे नीचे रूट्स बॉयलर,
रूट्स ब्लोअर, सॉरी रूट्स ब्लोअर, ठीक है ना, ये पेपर में बहुत बार आया है। लाइशॉम, ठीक है ना, ये भी कंप्रेसर का ही नाम है, LYSHOLM, ठीक है। थर्ड आता है इसमें स्क्रू टाइप, ये भी पेपर में पूछा गया है। दैट इज स्क्रू टाइप। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड वेन टाइप, ये भी पेपर में पूछा गया है, वेन टाइप, वेन टाइप। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो आपको सिंपली ध्यान ही रखना है बच्चों, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप जो है वो हमारे रूट्स ब्लोअर, लाइशॉम, स्क्रू टाइप और वेन टाइप है। क्लियर है? समझ आई बात? ठीक है, डायनेमिक एक्शन और स्टेडी फ्लो टाइप की जब हम बात करते हैं तो दैट इज वी हैव सेंट्रीफ्यूगल टाइप और एक्सियल फ्लो टाइप। सेंट्रीफ्यूगल टाइप, सेंट्रीफ्यूगल टाइप और एक्सियल फ्लो टाइप, यहां कोई चेंजेस नहीं है, यहां वैसे ही है जैसे वहां थे। एक्सियल फ्लो टाइप, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, अभी तक जो पेपर आपके हुए हैं, अगर उन पेपर के अकॉर्डिंग में बोलूं तो अभी तक के पेपर के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा जो आपसे पूछे गए हैं कोई भी क्वेश्चन, तो वो आपको जेन जनरल जो है वो आपको, अगर सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप इसको दिमाग में हटा दीजिए बच्चों कि हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं या कैसे पढ़ रहे हैं, वो मैटर खत्म हो गया, मैंने आपको बता दिया रीजन, ठीक है ना, कि आज क्लास मिस हो जाती तो इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ताकि क्लास एटलीस्ट हो, ठीक है, किसी भी बहाने से क्लास मिस ना हो, ठीक है, वैसे ही मंडे है तो यहाँ पे सिंपल मेरी बात समझिए, इसलिए ध्यान सिर्फ मेरे डायलॉग्स पे लगाइए। तो बेसिक सी बात है कि अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइम में वन लाइनर क्वेश्चन आते, तो वन लाइनर सिर्फ अभी तक बच्चों हर पेपर में यही आया है कि कौन सा रोटरी कंप्रेसर है, वो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो मैंने कहा आपको कि रूट ब्लोअर पूछ लेगा आपसे, स्क्रू टाइप पूछ लेगा नाम आपसे, वेन टाइप पूछ लेगा, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, इसके ऊपर सिर्फ क्लासिफिकेशन दे है वन लाइनर। लेकिन अगर थोड़ा डिटेलिंग क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके फिर इनसे आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल, मतलब डिटेलिंग से मतलब है कि थोड़ा सा और इनके कैरेक्टर जो है पूछ लिए, ठीक है, तो तब वो यहां से है। तो अगर थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन हम इनको करेंगे, ठीक है ना, आप इनको एक्सप्लेन ना करें, इनको आप डिटेल में पढ़ने ना जाएं, थोड़ा बहुत पॉइंट्स मैं फिर भी बता दूंगा लेकिन जरूरत नहीं है इनमें डिटेल में जाने की आपको, कि रूट्स ब्लोअर कैसा हुआ, स्क्रू टाइप कैसा हुआ, वेन टाइप कैसा हुआ, तो मैं आपको कैसा हुआ ये बता दूंगा लेकिन इस पे कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इनसे क्वेश्चन जो है वो डिटेलिंग पे नहीं आते हैं, जो थोड़ा बहुत करना है आपको वो ये दोनों ही करने हैं। क्लियर है ना? तो ये चीज क्लियर कट याद रखेगा, ठीक है। चलिए तो नाउ अब हम बात करते हैं, पहले एक बेसिक बेसिक कुछ छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं इनके बारे में, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पे आएंगे। तो मैं यहां पे सबसे पहले ले लेता हूं, दैट इज अवर रूट ब्लोअर, रूट ब्लोअर। अब यहां पे याद रखिए बच्चों, कभी कभी हमसे रूट ब्लोअर, जैसे एक पेपर में कभी कभी रूट ब्लोअर नाम आया ही नहीं था, मतलब कोई और नाम था ही नहीं, तो यहां पे कंफ्यूजन था ये कौन सा ब्लोअर है। तो याद रखिएगा, रूट ब्लोअर को हम लोब कंप्रेसर भी कहते हैं, रूट ब्लोअर को हम लोब कंप्रेसर भी कहते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये चीज, रूट ब्लोअर इज ऑल्सो कॉल्ड लोब कंप्रेसर। तो कभी रूट ब्लोअर नहीं आया, ठीक है ना, रूट ब्लोअर नहीं आ रहा तो दैट इज कॉल्ड लोब कंप्रेसर, ठीक है, समझ आई बात? ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चले हम आगे, नेक्स्ट चले हम आगे। तो यहां पे मैं आपको एक दो पॉइंट पहले बताता हूं, दैट इज कॉल्ड रूट ब्लोअर कंप्रेसर से, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले रूट ब्लोअर कंप्रेसर से, दैट इज रूट्स ब्लोअर
कम प्रेशर। ठीक है, देखो अब बेसिक बेसिक से एक दो पॉइंट याद रख सकते हैं आप। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं रूट ब्लोअर कंप्रेसर की, तो मैंने आपको क्या बोला, इसको आप लोब कंप्रेसर भी बोल सकते हो, लोब कंप्रेसर भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिए, किस तरह का ये दिखाई देता है। अगर आप लोगों ने देखा भी हो तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मतलब थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरह का इसका केसिंग सा होता है ऐसा। ऐसा ठीक है ना, इस तरह का। तो यहाँ पे याद रखिए कि ऐसा जो है वो पूरा हमारा इसके अंदर रोटर इस तरह का होता है, ऐसा सिंपल। ये इसी को बोलते हैं बच्चों लोब्ड रोटर, ये हमारा रोटर होता है इसके अंदर घूमने वाला। एक रोटर ऐसे और एक रोटर ऐसे होगा जो इस एक दूसरे के साथ इक्विप्ट होके इस तरह से चलेगा ऐसा। ठीक है ना, एक रोटर ऐसे और एक रोटर ऐसे चलता रहता है इसके अंदर। तो याद रखिए, ये आपका मान लीजिए डिस्चार्जिंग पॉइंट है और ये इनलेट पॉइंट है। तो यहाँ से क्या है, एयर, यहाँ से एयर जो है वो इनलेट होती है, एयर इनलेट होती है और यहाँ से जो है वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ से डिस्चार्ज होता है, समझ आई बात। यहाँ से दैट इज कॉल्ड लोब्ड रोटर, दैट इज कॉल्ड लोब्ड रोटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड केसिंग, दिस इज कॉल्ड केसिंग। क्लियर है, समझ आ रही बात। ठीक है, तो यहाँ से इनलेट होगा, यहाँ से डिस्चार्ज होगा। तो मतलब जब यहाँ से एयर इसमें एंटर करेगी, तो सबसे पहले एयर जो है वो यहाँ से एंटर करेगी। मैं एयर के ऐसे बबल्स टाइप दिखाता हूँ, एयर इस तरह से जो है वो एंटर करती है यहाँ से। ठीक है ना, अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ से इसे पुश करेगा, इस तरह से पुश करेगा। तो पुश करके जो है एयर जो है वहाँ साइड से इधर से निकलना शुरू करती है। फिर जैसे जैसे ये मूव करेगा ऊपर को, एयर जो है वो यहाँ साइड से निकलना शुरू करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ से एयर निकलती है, कुछ एयर यहाँ से प्रेस होती है, तो कुछ एयर यहाँ से इसके चलने से यहाँ से प्रेस होगी, कुछ यहाँ से प्रेस होगी। तो तब जाके जो है एयर यहाँ पे एक एक पोजीशन ऐसी भी आएगी जब ये ऐसे हो जाएगा सीधा। ठीक है ना, एक पोजीशन ऐसी भी आएगी जब जो है इस तरह का हो जाएगा, ऐसा वाले ऐसे वाली पोजीशन में आ जाएगा ये, इस तरह से ऐसे पोजीशन में। तो तब एयर जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्रेस इस तरह से दबती है। ठीक है ना, और ये जो है हमारा, मतलब समझ लीजिए ये जो है हमारा, ये ऐसे और ये वाला भी जो है इसके साथ साथ इस पोजीशन में आ जाता है ऐसे। तो एक पोजीशन ऐसी वाली आती है जब ये पूरा इसको स्ट्रेट इधर पुश करता है, और जो अब बबल्स हैं पूरे एयर जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से ऐसे कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने के बाद यहाँ से ऊपर आएगी, फिर यहाँ से इसके ऊपर ऊपर आ जाएगी, ऊपर से फिर डिस्चार्ज हो जाएगी बाहर। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है वो हमारा काम करता है, दैट इज कॉल्ड रोटर ब्लोअर। ठीक है ना, इस तरह से हमारा ये पूरा रोटर ब्लोअर जो है वो जनरली काम करता है, समझ आई बात। तो ये एक तरह का लो प्रेशर ब्लोअर ही है, ये एक तरह का लो प्रेशर ब्लोअर ही है। तो यहाँ पे भी एक दो पॉइंट इसके मैं लिखा देता हूँ, जैसे कि इट इज अ लो प्रेशर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर राइज तो नहीं कर सकता, तो इट इज़ अ लो प्रेशर ब्लोअर, लो प्रेशर ब्लोअर। और डिस्चार्ज जो है इसका वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1 बार से लगभग 2.2 बार तक आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है ना, डिस्चार्ज कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी जो है वो 1500 m³/min के आसपास होती है। ठीक है, स्पीड जो है, स्पीड वो लगभग अप टू 7000 RPM जो है वो हमारा मूव करता है। ठीक है ना,
ठीक है, समझ आई बात। नाउ ये बच्चों हमारे सब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप में ही आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा सिर्फ रोटेशन में ही देखा जाता है। मतलब जो ब्लेड है आपका, इसके साथ साथ जो है एयर जो है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो होगा सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द केसिंग ही देखा जाता है। जैसे वहाँ सिलेंडर में हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी वेन टाइप आएंगे, ये आएंगे, ये सब हमारे इनसाइड द केसिंग, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो सब ये केसिंग जो है मतलब रोटेशन में ही इनके डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फीचर से जाने की जरूरत नहीं बच्चों, वो सिंपल सी बेसिक बात मैंने बता दी, बस मेन पॉइंट याद रखिए, ठीक है ना। मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखिए कि फंडा बेसिक सा क्या है इसका, अगर एप्लीकेशन की हम लोग बात करें। तो रूट्स ब्लोअर जो है वो हम जनरली यूज करते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी पेपर के लिए, कि रूट्स ब्लोअर्स आर यूज्ड फॉर, आपको याद होगा हम लोग टू स्ट्रोक में स्केवेंजिंग एक चीज होती है, प्रोसेस है ना, हमने पहले कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर किया होगा, जिससे क्या होता है एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर किया जाता है प्रेशर डिफरेंस से, उसको हम स्केवेंजिंग कहते हैं, ठीक है ना। सिंटू कुमार जी, सर इस तरह मजा नहीं आ रहा। देखो जिंदगी में हर चीज मजे के लिए नहीं है बच्चों, आप अपनी नीड को पूरा करो बस, है ना। ऐसे तो मैं कहूँ कि मुझे तो ऑनलाइन ही मज़ा नहीं आया करता था, मुझे तो बच्चे सामने जब तक ना हो तब तक मज़ा नहीं आता, चलो मैं ऑनलाइन पढ़ाना छोड़ देता हूँ। तो ऐसा नहीं है ना, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते आप, जैसे हालात हैं वैसे हमको करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल डिपेंडेंट मत बनो किसी चीज़ पे कि बिल्कुल ऐसा ही चाहिए आपको, एनी हाउ आपको कंटेंट पढ़ने से मतलब होना चाहिए। कई लोग तो चैनल ऐसे में ही पूरा चला रहे हैं और बहुत अच्छे से बच्चे कर रहे हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं, तो यहाँ तो समझ लो 100 में से कोई एक लेक्चर इस तरह का हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो है दिमाग में वो क्रिएट मत करिए कोई मिसकंसेप्शंस कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। जिसको कंटेंट पढ़ना है वो चुपचाप पढ़ रहा है इस चीज़ को भी लेके। रूट ब्लोअर्स आर यूज्ड फॉर स्कैवेंजिंग स्कैवेंजिंग एंड सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग ऑफ टू स्ट्रोक, ठीक है ना, इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो रूट्स ब्लोअर जो है वो स्केवेंजिंग में यूज होते हैं, स्केवेंजिंग के लिए यूज होते हैं, स्केवेंजिंग और सुपर चार्जिंग दोनों के लिए। सब दोनों प्रोसेस आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। स्केवेंजिंग क्या होती है, जब हम एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर करते हैं दैट इज कॉल्ड स्केवेंजिंग, तो वो प्रेशर देने के लिए हम लोग रूट ब्लोअर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही सेम सुपर चार्जिंग, जब हम एयर फ्यूल जो मिक्स कर रहे हैं वो कंप्रेस्ड एयर मिक्स कर रहे हैं, कंप्रेस्ड चार्ज भेज रहे हैं हम लोग वहाँ से इंजन के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड सुपर चार्जिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिंपल सा हमारा एप्लीकेशन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हमने सिंपल बताया आपको कि लो प्रेशर है हमारा, बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर नहीं है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इन स्टील फर्नेस, ठीक है ना, ऑल्सो यूज्ड इन स्टील फर्नेस, ठीक है, सीवेज में, सीवेज डिस्पोजल जो होते हैं हमारे, सीवेज डिस्पोजल प्लांट्स, ठीक है ना, ठीक है, समझ आई बात। गैस बूस्टर्स, इस तरह के कुछ हैं यूसेज जो हम लोग करते हैं, क्लियर है। तो ये है बच्चों हमारा जो हमने बात करी मेनली रूट्स ब्लोअर और कंप्रेसर की, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट्स बहुत हैं रूट ब्लोअर और कंप्रेसर में जाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ आपको खास डिस्कशन पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नाउ अब आ जाता हूं मैं सीधा सीधा नेक्स्ट हमारे, एक और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा आपको स्क्रू कंप्रेसर, वैसे तो जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। मैं सीधा सीधा आ जाता हूँ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पे, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने कहा ना इन सब की डिटेलिंग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो जब कह रहा हूँ तो ये चीज़ को आप मान के चलिएगा, ठीक है ना, कि स्क्रू टाइप और वेन टाइप ये सब आप देखें। हाँ, किसी को देखने हैं तो वो आप सिंपली देख सकते हैं कहीं पर भी इंटरनेट में कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो
तो यहां पे मैं सीधा सीधा आता हूं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। नाउ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आप बिल्कुल लगभग लगभग सेम चीजें हैं जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोगों ने देखी थी, बस वर्किंग फ्लूड कंप्रेसर है तो फंडे जो हैं वो उसी के लगेंगे, ठीक है। नाउ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हमारा क्या है बच्चों, आप सभी को पता है डायनेमिक एक्शन वाला कंप्रेसर है, ठीक है ना। तो यहां पे रेसिप्रोकेटिंग से तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई, ठीक है ना, रोटेटिंग हमारा है ही, कैपेसिटी इसकी काफी हाई रहती है। तो यहां पे हम हाई कैपेसिटी की बात करें तो लगभग हमारी 3000 मीटर क्यूब पर मिनट कैपेसिटी जो है अबव 3000 मीटर क्यूब पर मिनट, उससे ऊपर ही रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे हम मेनली ये बात कहते हैं, प्रेशर रेशियो जो है वो 4:6 रहता है, प्रेशर रेशियो जो है वो लगभग 4:6 रहता है, ठीक है ना, समझ आई बात। स्क्रू स्क्रू जो है आपका बच्चों, स्क्रू कंप्रेसर की अगर बात करें तो याद रखिए स्क्रू कंप्रेसर जो है वो उससे हाई प्रेशर ही रहता है, ठीक है ना, इस वाले से हाई प्रेशर रहता है। और ये भी काफ़ी यूज़ होता है हमारे इंजन्स वगैरह में, ठीक है ना। स्क्रू कंप्रेसर हमारा लाइशॉम कंप्रेसर ही इसी को बोलते हैं, समझो लाइशॉम जो हमने अभी क्लासिफिकेशन में लिखा था, तो याद रखिएगा वही एक स्क्रू कंप्रेसर ही है, ठीक है ना। उसके साइजेस जो है वो 200 से लेके 2000 मीटर क्यूब पर आवर की कैपेसिटी के होते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर जो है वो इससे ज़्यादा रहता है, जैसे हमने वहाँ 2.23 बार की करी, तो यहाँ प्रेशर जो है वो लगभग स्क्रू कंप्रेसर में 10 बार के आसपास रहता है, ठीक है ना। तो हैं तो दो तीन पॉइंट, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि लाइशॉम कंप्रेसर जो हमने बोला उसी में स्क्रू कंप्रेसर कहलाता है, वही स्क्रू कंप्रेसर कहलाता है। स्क्रू कंप्रेसर में कैपेसिटी 200 से 2000 मीटर क्यूब पर आवर होती है और प्रेशर जो है वो 10 बार के आसपास होता है, ठीक है। बट ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में होते हैं बच्चों, डिफरेंट साइजेस में होते हैं, तो डिफरेंट साइजेस के होने की वजह से प्रेशर हमें 15 बार वाले भी अवेलेबल रहते हैं, कैपेसिटी काफ़ी आगे तक भी चले जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें वेराइटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान आप रख सकते हैं कि इट इज़ अ हाई प्रेशर देन आपके उस बॉयलर से। नाउ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की जब हम बात कर रहे हैं तो कैपेसिटी मैंने बोला 3000 मीटर क्यूब पर मिनट और प्रेशर रेशियो लगभग 4:6 हो जाता है। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन फीचर की अगर बात करें बच्चों, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन फीचर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आपका एक समझ लीजिए इम्पेलर हो गया, ठीक है। तो इम्पेलर में जो फंडा होता है वो वही है कि हमारे जो ब्लेड्स होंगे, ठीक है ना, उसी को हम लोग इम्पेलर बोलेंगे। इम्पेलर जो इन केसिंग के अंदर हमारे ब्लेड्स अटैच होंगे उसको हम इम्पेलर बोलेंगे। तो मान लीजिए कुछ इस तरह के हमारे ब्लेड जो हैं वो ऐसे अटैच हैं, तो दैट इज अवर इम्पेलर। तो इसको मान लीजिए हम इम्पेलर बोलते हैं। इस इम्पेलर के बाद जो होता है हमारा दैट इज अवर गाइड ब्लेड टाइप, ठीक है ना। इम्पेलर के बाद जिसको हम गाइड ब्लेड, गाइड ब्लेड मतलब फिक्स ब्लेड टाइप होता है, लेकिन ये बेसिकली हमारे कहलाते हैं दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजर्स। तो इसके बाहर जो आता है बच्चों वो कहलाता है हमारा डिफ्यूजर्स, इस तरह से दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजर्स। तो याद रखिए, अभी मैं आपको नोटेशन डलवा दूंगा, और उसके बाहर आएगी आपकी केसिंग, ठीक है ना। उसके बाहर आएगी आपकी केसिंग जो हमारी वही स्क्रॉल टाइप केसिंग होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया धीरे धीरे ऐसे बढ़ते हुए की तरफ लें, ब्लेड्स बच्चों वही है हमारे बैकवर्ड ब्लेड्स,
ठीक है ना। तो मैंने कहा ना वो चेंजेस कुछ नहीं है, वो पंप के तरह ही है बेसिक चेंजेस तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केसिंग बनाऊँ थोड़े बड़े क्रॉस सेक्शन की, तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन जो है वो ऐसे धीरे 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 कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बना है लेकिन समझने के लिए ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको हम स्क्रॉल केसिंग बोलेंगे, स्क्रॉल केसिंग, ये सब हमने पंप पे पढ़ा हुआ है। स्क्रॉल केसिंग क्या है? दैट इज कॉल्ड ब्लेड्स, और इस सीरीज ऑफ ब्लेड को हम लोग इम्पेलर बोलते हैं, सीरीज ऑफ ब्लेड को हम लोग इम्पेलर बोलते हैं, ठीक है ना। ये सबको पता है, एयर यहाँ से बाहर होगी हमारी, ठीक है ना, वही इनलेट से एयर आएगी, इस इनलेट से आएगी और यहाँ से बाहर होगी हमारी। अभी मोशन के बारे में बात करते हैं, और दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजर्स, ये जो बाहर हमने लगाया है गाइड ब्लेड दैट टाइप, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजर्स, ठीक है। डिफ्यूजर बच्चों ब्लेड का ही उल्टा है बस, ठीक है ना। अगर कोई ब्लेड हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है तो डिफ्यूजर हमारी काइनेटिक एनर्जी को कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें प्रेशर राइज करना है मेनली, जो आपको फोकस करना है वो प्रेशर राइज करना है। तो कुछ प्रेशर राइज हमारा ब्लेड से होगा और कुछ हमारे डिफ्यूजर से होगा, वही मेनली आपको समझने वाली बात है जो क्वेश्चंस आपको देखे जाते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे समझिएगा, नाउ अब यहाँ पे समझिए, जब हम वर्किंग की बात करते हैं तो अब यहाँ पे एयर जो है हमारी, भले मैं वर्किंग के दो दो तीन पॉइंट आपको बता दूं, ठीक है। तो वर्किंग सिंपल है, क्या करेगा, सबसे पहले जब इंपेलर रोटेट करेगा, इंपेलर रोटेट्स एंड एयर जो है एंटर्स, कैसे एंटर करेगी, इंपेलर की आई से, दिस इज कॉल्ड आई ऑफ द इंपेलर, है ना। ये क्या है, सेंटर में आई ऑफ इंपेलर, जैसे वहां पंप का होता है बिल्कुल बच्चों, वेन टाइप में स्प्रिंग लगा होता है। अभी बाद में बात करते हैं, जब कोई टॉपिक खत्म होगा ना उसके बाद पीछे वाले का कुछ पूछना, अगर आपको कुछ पूछना होगा आई ऑफ इंपेलर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए, इस आई ऑफ इंपेलर से जो है वो एयर एंटर करती है विद लो वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट लिख लेता हूँ फटाफट, एयर एंटर्स, कैसे एंटर करेगी बच्चों, तो याद रखिए हमारा फ्रांसिस टर्बाइन का उल्टा ही रहता है ये सेंट्रिफ्यूगल हमारा पंप, तो जैसा पंप था वैसे ही कंप्रेसर है, दैट इज रेडियली, ठीक है ना, रेडियली। तो बस टर्बाइन हमारा इनवर्ड होता है तो ये आउटवर्ड हमारा जो है होता है, ठीक है ना, मोशन इसका तो अंदर से बाहर की तरफ होगा, जैसा सेम पंप में था। तो एंटर्स रेडियली इनटू द इंपेलर आई, है ना, एयर जो है वो इंपेलर आई में रेडियली एंटर करती, एंटर इनटू द इंपेलर आई विद कैसी वेलोसिटी, विद लो वेलोसिटी, ये चीज ध्यान रखिएगा, विद लो वेलोसिटी, मान लीजिए कुछ V1 बोल देते हैं, ठीक है ना। और प्रेशर जो रहता है वो एंटर करने का रहेगा एटमोस्फेयरिक प्रेशर, एट एटमोस्फेयरिक प्रेशर। तो ये है इसकी इनिशियल कंडीशन बच्चों P1, ठीक है ना, दिस इज द इनिशियल कंडीशन कि एयर जो है वो कहाँ पे एंटर करती है, रेडियली, ठीक है ना, विद वेलोसिटी V1 एंड एटमोस्फेयरिक प्रेशर P1, कोई कंफ्यूजन नहीं इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब इसके बाद ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन है जिससे जो हमारा ये है जो चल रहा है, तो ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल एक्शन अगर हम बात करें तो इसके वजह से क्या होगा, द एयर जो रेडियली एयर आई है वो एयर कम्स रेडियली आउट, तो एयर भी जो है वो रेडियली आउट जाएगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। अभी मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा, आपको और मजा आएगा उसको समझने में। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, ठीक ना, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ऑफ द इंपेलर, ऑफ द इम्पेलर द एयर कम्स, द एयर कम्स रेडियली, एयर कम्स रेडियली आउट, एयर कम्स रेडियली आउट, ठीक है, समझे बार, रेडियली आउट। तो अब इस मोमेंट के दौरान ब्लेड में होगा क्या, ठीक है ना। अब ये तो चलो ठीक है, बाहर आ गई रेडियली, तो रेडियली गई, रेडियली बाहर आ गई अलॉन्ग द रेडियस जिसे हम कहते हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या, तो याद रखिए सबसे पहले यहां पे वेलोसिटी जो है इसकी वो इंक्रीज होगी,
क्योंकि ब्लेड हम जिस तरह से डिज़ाइन करते हैं सब उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द इम्पेलर, इम्पेलर क्या करेगा, इंक्रीजेज इट्स मोमेंटम, इंक्रीजेज द मोमेंटम ऑफ एयर। जो वेलोसिटी है वो एयर का मोमेंटम को इंक्रीज करेगी सबसे पहले, जिससे क्या होगा, विच कॉजेज राइज इन स्टैटिक प्रेशर, विच कॉजेज राइज इन स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर भी राइज होता है एक्चुअल में, टेम्परेचर भी राइज होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, द प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो मान लीजिए प्रेशर टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं, प्रेशर को मैं P2 ले लेता हूँ, टेम्परेचर को मैं T2 ले लेता हूँ जो बाहर निकला है, ठीक है, और वेलोसिटी को मैं V2 ले लेता हूँ। तो मेन तो प्रेशर और वेलोसिटी है, तो प्रेशर स्टार्टिंग में V1 और P1 एंटर किया था, P1 एटमोस्फेरिक था, और P2 और V2 जो है वो एग्जिट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर कैसे राइज होता है। अभी ग्राफ से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, जब ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि एक ग्राफ बहुत शानदार बनता है इसका, सिंपल सा, उससे सारी वर्किंग समझ आती है, और वर्किंग आप समझा भी सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो एयर है, द एयर लीविंग द आउटसाइड एज, जो आउटसाइड एज को एयर निकल रही है इस आउटसाइड एज से, मतलब किसके, ब्लेड के, ठीक है ना, इम्पेलर के आउटसाइड एज ऑफ द इम्पेलर, वो कहाँ जा रही है, डिफ्यूजर में, आउटसाइड ऑफ द इम्पेलर एंटर्स इनटू द, किसमें, डिफ्यूजर में, एंटर्स इनटू द डिफ्यूजर, इनटू द डिफ्यूजर। अभी फिर बता दूंगा मैं सारे पॉइंट, कोई टेंशन नहीं। तो डिफ्यूजर में जब जा रही है वहां क्या हो रहा है, डिफ्यूजर क्या करता है बच्चों, वेलोसिटी को प्रेशर में चेंज करता है। डिफ्यूजर क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डिफ्यूजर का काम यही है, वेलोसिटी को कम करना, ठीक है ना, और प्रेशर को इंक्रीज करना। तो ऐसे में स्टैटिक प्रेशर जो है, स्टैटिक एयर प्रेशर फर्दर इंक्रीज, मतलब पहले तो इंक्रीज हुआ ही था, फर्दर इंक्रीज, दोबारा से यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या होती है, एयर जो है वो हमारी जो केसिंग है उसमें कलेक्ट होती है, और तब उसके बाद हमारी डिस्चार्ज की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं तीनों पॉइंट दोबारा बता रहा हूँ, उसके बाद वापस आपको ग्राफ बताता हूँ। देखिए, मैंने सिंपल से पॉइंट क्या बोले बच्चों, सिंपल से पॉइंट बोले, पहला पॉइंट मैंने बोला यहाँ पे कि एयर जो है वो आपकी एंटर करती है रेडियली, है ना, एयर एंटर्स रेडियली, V1 वेलोसिटी और P1 प्रेशर के साथ, जो P1 प्रेशर है वो है एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और उसके बाद जो है उसका मोमेंटम बढ़ता है, ठीक है ना, और मोमेंटम बढ़ने से अब जगह कहीं निकलने की है नहीं, वहीं पर घूम रहा है, तो ऐसे में उसका स्टैटिक प्रेशर राइज करता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ घुमाओगे तो उसकी आउटर साइड में क्या होगा भाई, कोई भी चीज़ घुमाएंगे तो सेंटर में प्रेशर ड्रॉप करेगा, और आउटर साइड में क्या होगा, आउटर साइड में प्रेशर जो है उसका राइज करेगा। तो प्रेशर जो है उसका ऐसे राइज करता है, तो प्रेशर राइज करता है जिससे क्या है, उसमें कोई P2 प्रेशर और T2 टेम्परेचर और V2 वेलोसिटी उसकी अचीव होती है। तो ऐसे में जो एयर जो यहाँ से छोड़ के उसके बाद यहाँ जा रही है, मतलब हमारा कहाँ, डिफ्यूज़र में, डिफ्यूजर में एंटर करने से डिफ्यूजर में जो भी उसकी वेलोसिटी होगी वो भी जाके प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो फिर जाके प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और एयर जो है वो आउटसाइड एज को, इम्पेलर के जो भी छोड़ रही है उसको अगेन प्रेशर उसका राइज कर देती है। ठीक है ना, ये हमने मेनली बेसिकली बात करी। तो उसके बाद क्या है, एयर कलेक्ट होगी केसिंग में, एयर इज देन कलेक्ट एंड डिस्चार्ज। तो यहाँ पे सिंपली अगर एक लाइन में ऐड करना चाहूँ तो ये बोल दूँ, एयर इज देन कलेक्टेड एंड डिस्चार्ज, एयर इज देन कलेक्टेड इन केसिंग एंड
डिस्चार्ज, ठीक है ना, ये हमने बात करी। नाउ अब समझिए बच्चों वेलोसिटी ट्रायंगल, तो मैं यहाँ पे आपको बताया था इसका वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम जो है, वेलोसिटी डायग्राम वो किस तरह से बनता है। तो ये पॉइंट मैंने बगल में रखे हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो एक डायग्राम यहाँ पे बनाएं, तो मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम। भाई इसको समझिएगा बच्चों, और इसी से आपको समझाना है, कभी वर्किंग वगैरह अगर सब्जेक्टिव में भी कुछ दिखाना है तो दैट डायग्राम विल ऑलवेज गिव यू मार्क्स, ठीक है। नाउ नाउ अब देखिए सिंपली, अब जो हम बोल रहे हैं बस वो आपको वही समझ में आएगा, मतलब वो दिखाई देगा प्रॉपर आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं पहले एक ग्राफ बनाता हूँ जिसमें मैं क्या दिखाऊंगा आपको, वेलोसिटी और प्रेशर का वेरिएशन दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा वेलोसिटी, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा थिक दिखाई दे, वेलोसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, किसके साथ, किसका प्रेशर वेरिएशन ऑफ एयर पासिंग थ्रू, किस किस से जा रही है, इम्पेलर एंड डिफ्यूजर, पासिंग थ्रू इम्पेलर एंड डिफ्यूजर। तो इम्पेलर डिफ्यूजर से जब एयर पास हो रही है तो प्रेशर और वेलोसिटी किस तरह से वेरी कर रही है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नाउ जनरली एक ही ग्राफ में दिखा देते हैं दोनों चीज़ों को ताकि जो है वो कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं आपको जो है वो एक सिंपल सा ग्राफ बना के दिखाता हूँ, जिसको स्केल को सीधा कर लेते हैं यहाँ से, एग्जैक्टली यहाँ। नाउ ठीक है, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रेशर वेरिएशन, ठीक है, उसके हिसाब से वेलोसिटी वेरिएशन देख लेंगे हम लोग। तो प्रेशर वेरिएशन देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे एक सिंपल से ग्राफ से समझते हैं प्रेशर किस तरह से वेरी कर रहा है। नाउ देखिए, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है, और बड़ा और जूम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो किनारे लिखा है बच्चों वो तो दिखने की जरूरत नहीं है ना, अभी वो तो पॉइंट हमने देख लिए। नाउ अब देखिए, अब आप प्रेशर का सिंपल वेरिएशन देखें तो किस तरह से वेरी करता है। अगर हम इतने हिस्से में बात करें, पहले इम्पेलर की, तो प्रेशर हमारा जो है वो लगभग एटमोस्फेरिक मान लेते हैं इस लाइन को हम लोग, तो मान लीजिए इनलेट प्रेशर जो है हमारा वो हमने यहाँ पे मान लिया P1, इनलेट प्रेशर जो है हमारा वो मान लिया हमने P1। तो इनलेट प्रेशर से हमारा जैसे ही इम्पेलर में गया, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से प्रेशर जो है वो ऐसा कुछ राइज किया, किसी एक सर्टेन पॉइंट तक जो प्रेशर है वो इस तरह से राइज किया। तो ये हमारा जो सर्टेन प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड P2 प्रेशर, इसको हम बोलते हैं P2 प्रेशर। अब इसको अगर मैं एक लाइन से सीधा खींच के यहाँ बता दूँ कि ये P2 प्रेशर कितना है, तो ये लगभग मान के चलिए यहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन के थ्रू ये प्रेशर दिखाऊँ तो ये प्रेशर लगभग इतना हो गया। तो यहाँ पे मैं P1 से मान लीजिए P2 प्रेशर मेरा है इम्पेलर से निकलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं प्रेशर राइज दिखाऊंगा, ये जो प्रेशर राइज मैंने दिखाया ये क्या हुआ, याद रखिए P1 प्रेशर जीरो नहीं है बच्चों, उसको हमने एटमोस्फेरिक माना है, जीरो लाइन को यहाँ पे हमने एटमोस्फेरिक माना है, ठीक है। तो प्रेशर राइज ये जो दिखा रहे हैं, ये जो प्रेशर राइज हुआ ये किस में हुआ, इम्पेलर में। तो यहाँ लिखूंगा मैं प्रेशर राइज इन इम्पेलर, ठीक है ना, इतना प्रेशर राइज हुआ है
इम्पेलर में, ठीक है। अब देखो, अब इससे ऊपर का प्रेशराइज क्या हुआ, हमारा गया डिफ्यूजर में। अब डिफ्यूजर में गया तो फिर फर्दर क्या हुआ, फर्दर जो है वो प्रेशर राइज किया, ठीक है ना। डिफ्यूजर में गया तो यहाँ से फर्दर जो है वो प्रेशर राइज किया। अब यहाँ से फर्दर प्रेशर राइज किया तो मान लीजिए कहीं इस पॉइंट तक यहाँ पहुँचा, ठीक है, दैट पॉइंट। तो इसको भी अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करूँ, इसको थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ मैं ग्राफ को, ठीक है ना। अब इसको भी मैं अगर थोड़ा ग्राफ में ले लूँ इस पॉइंट को भी, तो ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। नाउ अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये प्रेशर राइज किस में है, तो याद रखिएगा दैट प्रेशर, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर वगैरह इसके लेक्चर्स हैं नहीं कहीं पर भी अच्छे से, ना बुक में समझ आएगा ना कुछ। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत अच्छे नोट्स इसके कहीं पर भी कोई बुक्स में या बहुत अच्छे से कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा ईजी वे में चीज़ों को बताने की, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इतना प्रेशराइज इंपेलर में होता है और इतना प्रेशराइज हमारा डिफ्यूजर में होता है, समझ आ रही बात। तो दैट इज कॉल्ड P3 प्रेशर, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा ग्राफ है जिसमें हम प्रेशराइज को देख सकते हैं। अब आपको जो समझना है प्रेशराइज, इसलिए समझना आसान, देखो कंटिन्यूस हम प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा हमने किया इंपेलर में, फिर थोड़ा हमने किया डिफ्यूजर में, तो यहां तक समझने में किसी को भी कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेलोसिटी वेरिएशन को समझना। नाउ अब आप समझेंगे इसके ही हिसाब से सेम वेलोसिटी वेरिएशन कैसा हो रहा है। नाउ अब मैं यहीं से नीचे ग्राफ जो है सीधा सीधा खींच देता हूं, सेम वेलोसिटी वेरिएशन दिखाने के लिए आपको, ठीक है। अब देखो, अब वेलोसिटी वेरिएशन आपको देखना है तो यहां पे अब देखो, प्रेशर को तो हमने एटमोस्फेरिक प्रेशर बोल दिया, ठीक है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर हमने यहाँ पे बोल दिया, दैट इज P1। अब जरूरी नहीं है कि हमारा जो है वो वेलोसिटी जीरो, मतलब वेलोसिटी कोई एटमोस्फेरिक वेलोसिटी तो लगभग कुछ नहीं हुई ना, तो वेलोसिटी हम जो भी किसी ना किसी नोजल या कहीं से ले रहे होंगे, तो इट हैज सर्टेन वेलोसिटी, मतलब जीरो नहीं दिखा के हम थोड़ा सा ऊपर से दिखाएंगे, बिकॉज इट हैज सर्टेन वेलोसिटी, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी इनिशियली होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इनिशियली हमें जो है वो वेलोसिटी कुछ ना कुछ दिखानी है। हाँ ये है कि कम होगी, बट इट हैज सर्टेन वेलोसिटी V1 उस एयर की, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिए बच्चों, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है। नाउ अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ को सीधा कर देता हूँ, स्केल को सीधा कर देते हैं। नाउ अब ये वाला पॉइंट मेनली याद रखिए बच्चों, जहां पे हमारा इंपेलर में प्रेशर राइज हुआ था, दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां से मैं एक नीचे लाइन खींच देता हूं, बस ये ग्राफ समझ लिया, समझ लीजिए, ठीक है, इस तरह से। नाउ अब देखिएगा वेलोसिटी वेरिएशन अगर मैं बनाऊं तो इंपेलर के पॉइंट तक, ये इंपेलर की लाइन है ना, इंपेलर की लाइन तक क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन स्लोप में अंतर होगा। याद रखिए प्रेशर इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग स्लोप। तो यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूस यहाँ से कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग होगा इंपेलर के अंदर, कुछ ऐसे ऐसा इंक्रीजिंग होगा। तो ये वेलोसिटी जो है वो कुछ इस तरह से वेरी कर रही है V1 से लेके कुछ V2 तक। तो सेम अगर मैं यहाँ देखूँ, अब इस पॉइंट को भी मैं, जो डिफ्यूज़र का पॉइंट है इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ सीधा सीधा, डिफ्यूज़र का जो पॉइंट है उसको भी मैं नीचे खींच देता हूँ सीधा सीधा, ताकि जो है हम यहाँ पे भी जो है मार्किंग दिखा सकें। नाउ अब देखिएगा ये हमारा उसके बाद क्या हुआ डिफ्यूजर। अब हमने क्या बोला था, प्रेशर जो है वो डिफ्यूजर में भी कंटिन्यूस राइज कर रहा है, तो डिफ्यूजर में गया प्रेशर राइज किया, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी,
भाई प्रेशर राइज कर रहा है तो याद रखिए वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आपकी यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो इम्पेलर में आप कह सकते हो कि सर प्रेशर राइज हमारा इम्पेलर में किया लेकिन वेलोसिटी हमारी इम्पेलर में फिर भी इंक्रीज करी है। तो याद रखिए बच्चों वेलोसिटी हमारी इम्पेलर में इंक्रीज करती है वो एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से। भाई हमें ये पता है कि कहीं पर भी अगर हमारा नेचुरल फ्लो होगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटनी चाहिए, है ना, ये हमें पता है जनरली। लेकिन आप कहोगे कि सर इम्पेलर में प्रेशर बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ऐसा कैसे? तो याद रखिए ऐसा पॉसिबल कब है, हमने क्या बोला, टोटल एनर्जी लाइन हमारी ऊपर कब जा सकती है, टोटल एनर्जी लाइन हमारी हमेशा डाउनवर्ड ही जाती है ना, फ्लूड में आपने पढ़ा है टोटल एनर्जी लाइन हमारी हमेशा डाउनवर्ड जाती है, TEL। लेकिन TEL कब इंक्रीज जा सकती है, जब एक्सटर्नल वर्क दिया जाए, एक्सटर्नल एनर्जी दी जाए। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल एनर्जी तो दे रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल जो हम दे रहे हैं वो एक एक्सटर्नल एनर्जी है, और जब एनर्जी देंगे तो फिर हमारा वेलोसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल एनर्जी दे के बच्चों यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कराया है, क्योंकि इम्पेलर को हम घुमा रहे हैं, डिफ्यूजर को नहीं घुमा रहे, डिफ्यूजर में एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है। तो डिफ्यूजर में वो नेचुरल आपको दिखेगा जो नेचुरल फ्लो होता है, और ठीक है ना, तो नेचुरली जो अपने आप क्या करता है, ये चीज को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे कन्फ्यूज कर देंगे आपको, ठीक है, कि इम्पेलर में क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इम्पेलर में क्या हो रहा है, इम्पेलर की जब बच्चों हम बात कर रहे हैं तो इम्पेलर में आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का भी इंक्रीमेंट हो रहा है और प्रेशर का भी इंक्रीमेंट हो रहा है, बिकॉज इट हैज सम एक्सटर्नल एनर्जी, बाहर से एनर्जी एक्सटर्नली दी गई है, ठीक है ना, इम्पेलर को घुमा के। लेकिन डिफ्यूजर में क्या हो रहा है, डिफ्यूजर को कोई एनर्जी नहीं दे रहा है, डिफ्यूजर में कोई एनर्जी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिए डिफ्यूजर में एनर्जी नहीं दे रहा है, तो ऐसे में वेलोसिटी, अगर हमारा प्रेशर फिर भी इंक्रीज करता है डिफ्यूजर में, तो वेलोसिटी को घटना ही पड़ेगा। दोनों में अंतर समझ रहे हो बच्चों, वेलोसिटी को घटना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये कंफ्यूज मत होना कि सर इंपेलर में कैसे दोनों चीज बढ़ गई, क्योंकि वहां पे एनर्जी बाहर से दी गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे इन्हें आपस में ही कंपनसेट करना है, एक एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना ही पड़ेगा, समझ आई बात। तो डिफ्यूजर एक स्टैटिक बॉडी है, डिफ्यूजर में जो है कोई एनर्जी नहीं दी जा रही है, तो अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर का इंक्रीमेंट करा है डिफ्यूजर में, तो फिर वेलोसिटी को घटना ही पड़ेगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे बच्चों हमारी जो है वो घटती ही घटती है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, वेलोसिटी हमारी जो है वो डिक्रीज होती ही होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये हमारी एक्सटर्नल वेलोसिटी जो है वो V3 हो जाएगी कुछ बार, तो वो लगभग V1 के बराबर या V1 से कम भी हो सकती है, कुछ इस तरह से, ज्यादा नहीं चाहेंगे हम लेकिन कम हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये समझ गए अब आप, तो यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं कि प्रेशर का इंक्रीमेंट है तो वेलोसिटी का डिक्रीमेंट होगा ही होगा, बिकॉज देयर विल बी नो एनर्जी, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर का इंक्रीमेंट है तो वेलोसिटी का डिक्रीमेंट भी है, वेलोसिटी का भी इंक्रीमेंट है, बिकॉज इट हैज सम एनर्जी ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है वो एनर्जी इन्वॉल्व है, तो मैं आपके शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एनर्जी इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है ना, ये बात समझिएगा, क्लियर है, एक्सटर्नल एनर्जी इन्वॉल्व है, समझ आ गई बात, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात हमें समझनी थी बच्चों, ये ग्राफ, अगर आप ये ग्राफ समझते हैं, समझ लीजिए आप सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर में जो हो रहा है वो आप समझते हैं, तो कल के दिन पे कोई भी आपसे वर्किंग पूछता है सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर की, जस्ट एक्सप्लेन दिस ग्राफ। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आया होगा, फटाफट यस बोल के मुझे संतुष्ट करो कि आपको ये ग्राफ समझ में आया है। एवरीबडी प्लीज रिप्लाई, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत अच्छे, और इस तरह से ही बच्चों हमें समझना है, ठीक है ना। कि चलो आज तो मैंने किसी रीजन की वजह से बोर्ड पे लिया ये, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, नो एक्सक्यूजेज, ये बिल्कुल बेकार के एक्सक्यूज हैं कि सर हमें इसमें समझ आ रहा है उसमें नहीं आता। समझ में आ सकता है तो सब में आ सकता है, नहीं आ सकता तो कहीं नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो दिस इज बेकार के एक्सक्यूज हैं, ठीक है, मैं बोलता रहा हूँ, लोगों ने तो लाखों लाखों सब्सक्राइबर जोड़ रखे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की स्टडीज करवा के,
ऐसा कुछ नहीं है, वैरायटीज होनी चाहिए, हर तरह की आदत होनी चाहिए। क्या पता कल के दिन पे कैमरे भी ना हो, कल के दिन पे कुछ भी हो सकता है भैया। जब बच्चों से हम लोग ऐसे आ गए हैं आज, तो कल के दिन और बुरी हालत भी हो सकती है। ठीक है, तो वेरी गुड, सबके समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो सिंपल अब वर्किंग क्या बताएंगे, अब आपसे कोई पूछेगा सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर कैसे काम करता है, तो आप बोलोगे उसमें एक इंपेलर है और एक डिफ्यूजर होता है। इंपेलर में आपका जो है एयर एंटर करती है एटमोस्फेरिक प्रेशर पे और एक सर्टेन वेलोसिटी पे, तो वो एंटर करती है। तो इंपेलर में एंटर करने के बाद उसकी प्रेशर वेलोसिटी दोनों बढ़ती है, क्योंकि हम सेंट्रिफ्यूगल एक्शन से एनर्जी भी दे रहे हैं। ठीक है ना, तो एनर्जी दोनों मिलने के बाद दोनों राइज करता हुआ दिखाई देगा। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है बच्चों, यहां प्रेशर का स्लोप जो है वो कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग स्लोप में ही इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। मतलब स्लोप घटते हुए कोई होगा, स्लोप बढ़ते हुए को नहीं होगा, मतलब ज्यादा हमारा चल रहा है और प्रेशर उतना राइज नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिए, और वेलोसिटी जो है हमारी वो इंक्रीजिंग स्लोप में ही होगी। तो वेलोसिटी हमारी स्टार्टिंग में बढ़ती है और यहां पे हमारा घटता है। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं इसके कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम पे भी। तो अब आप उसका वेलोसिटी ट्रायंगल तो जानते हैं बच्चों, वो तो सेम है। ठीक है, तो वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम एक तरह से मैंने आपको बना दिया ये लोगों। अगर मैं पूरा स्क्रीनशॉट आपको दूं तो ये कंप्लीट थ्योरी का स्क्रीनशॉट हो जाता है जो मैंने लिखा, थोड़ा छोटा हो गया होगा ऐसे में, लेकिन अगर किसी को लेना है तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ऐसे भी ले सकता है, जो जिसमें कंप्लीट थ्योरी प्लस डायग्राम आ जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल के ऊपर। तो वेलोसिटी ट्रायंगल सिंपल है, देखो वही है जो आप लोगों ने पंप में भी पढ़ा है। ठीक है ना, अब वो स्लोप के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा और है गहराई उस चीज के ऊपर, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से ज्यादा कंफ्यूज मत हो, वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, उसको वैसे रहने दो। ठीक है ना, नाउ फॉर्मूले पे भी आ जाते हैं, फॉर्मूला अभी ठंड तो रखो थोड़ी, खत्म थोड़ी ना हो गया सेंट्रीफ्यूगल अभी। नाउ अब वेलोसिटी ट्रायंगल पे आ रहा हूं। ठीक है, नाउ वेलोसिटी ट्रायंगल की बात करें तो ये मान लीजिए हमारा कुछ ब्लेड है, तो आपने वैसे ही बनाना है जैसे आपने फ्रांसिस टर्बाइन मानो बनाया था या सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाया था। ये हमारा कोई ब्लेड है, ये हुआ हमारा इम्पेलर ब्लेड। नाउ अब इस इम्पेलर ब्लेड में आपको पता है टर्बाइन में हमारा क्या होता है, रेडियल आउटलेट होता है। ठीक है ना, रेडियल आउटलेट होता है। ठीक है, टर्बाइन में हमारा रेडियल आउटलेट होता है और हमारा जो है वो पंप में, ठीक, इसका उल्टा होता है, रेडियल इनलेट होता है। तो हम यहाँ पे इनलेट में रेडियली एंटर कराएंगे, तो मतलब सीधा एंटर करेगा ऐसे, वेलोसिटी जो है वो इस तरह से सीधा एंटर करेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए V1 वेलोसिटी हमारी सीधा एंटर करती है, जो हमारी VF1 के बराबर होती है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दी फोर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, इसके वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है बच्चों, तो याद रखिए इसके जो वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पे हमने प्रेशर दिखाया है, यहाँ वेलोसिटी दिखाई है, तो यहाँ पे हम ट्रैवलिंग दिखा रहे हैं, मतलब ब्लेड्स के ऊपर डिस्टेंस मूव करके दिखा रहे हैं। तो ठीक है ना, तो पासिंग थ्रू दी, ये जो हम पासिंग दिखा रहे हैं, पासिंग थ्रू दी इम्पेलर एंड डिफ्यूजर, तो दिस इज इम्पेलर। ठीक है ना, तो हम एयर की पासिंग दिखा रहे हैं इम्पेलर और डिफ्यूजर के ऊपर से, दोनों में, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो दिस इज इम्पेलर, दिस इज डिफ्यूजर, ये हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब वेलोसिटी ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि V1 VF1 से रेडियली एंटर करता है बच्चों, तो V1 VF1 से रेडियली एंट्री करेगा, तो VW1 तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का। तो यहाँ पे हमारी, लेकिन एक्चुअल में टरबाइन जो है, जो एक्चुअली हमारा ब्लेड है, उसको क्या फील होता है कि एंटर किससे कर रहा है, ब्लेड के एंगल के अलॉन्ग। तो ब्लेड के एंगल के अलॉन्ग अगर मैं बनाऊँ तो लगभग जो है वो वेलोसिटी ये नज़र आती है उसे। ठीक है ना, तो दैट वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी, तो उसे जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी VR1 नज़र आती है। ठीक है, तो VR1 और V1 दोनों में अंतर कितने का होगा, जितने का ब्लेड चल रहा होगा।
है ना, दोनों में अंतर उतना ही होगा जितने से ब्लेड चल रहा होगा। ब्लेड कितने से चल रहा है, U1 से, है ना, वही सेम कंसेप्ट है वेलोसिटी ट्रायंगल वाले, तो U1 से, ठीक है, कुछ ऐसे। और यहाँ पे एंगल जो है, हम क्या लेते हैं एंगल, यहाँ मान लीजिए हमने एंगल जो है वो अल्फा ले लिया, ठीक है। तो जनरली थर्मल में आपके अल्फा और बीटा लिया जाता है, यहाँ अल्फा तो हम अल्फा लेते ही थे, लेकिन यहाँ हम जनरली ब्लेड एंगल थीटा लेते थे, ठीक है। तो मैं वो हाइड्रोलिक मशीन वाले ही नोटेशन रख रहा हूँ, ठीक है, थीटा, समझ आई बात। एक्सियली क्यों एंटर करेगा बच्चों, एक्सियली नहीं एंटर करेगा, ठीक है, रेडियली एंट्री बोलेंगे उसे, क्योंकि एंटर इससे मतलब नहीं होता कि पंप में कैसे घुसा है, इससे मतलब होता है कि पंप की इनलेट ब्लेड पे कैसे जा रहा है, ठीक है ना, इससे मतलब होता है, ये होता है इनलेट पे कैसे एंटर कर रहा है, दैट इज रेडियली। रेडियली कैसे होता है समझ नहीं है। अब ये बच्चों थोड़ा टर्बाइन में देखिएगा, वहाँ चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बता रखी हैं कि रेडियली किसे कहते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अब इसको दोबारा डिस्कस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है ना। तो प्लीज़ टर्बाइन के वेलोसिटी ट्रायंगल वाले लेक्चर देखिए, उसमें रेडियली टेंजेंशियली सब तरह के मोशन जो है वो बता रखे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक डिस्कशन है फिर, ठीक है। तो यहाँ से इधर से एंटर करा और यहाँ से एग्जिट करा, एग्जिट जो है हमारा क्या करेगा, ब्लेड के एंगल पे निकलेगा V2 वेलोसिटी, सेम वही कंसेप्ट है बच्चों जो हमने वहां लगाए थे VR2, ठीक है। और यहां से एक्चुअल में जाना था इसे कुछ V2, एक्चुअल में जो है हमारा कुछ V2 वेलोसिटी है, उसकी एक्चुअल आउटलेट वेलोसिटी। दोनों V2 और VR2 में अंतर क्या है, U2 का, है ना, दोनों V2 और VR2 में अंतर क्या है, U2 का, ठीक। तो V2 हमारा मान लीजिए कुछ बीटा एंगल है, तो एंगल में वही ले रहा हूँ जो मैंने आपको हाइड्रोलिक मशीन्स में करवाए हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। थीटा फाई ब्लेड एंगल और अल्फा बीटा हमारा जेट एंगल, मतलब जेट ना बोल के यहाँ पे एयर वेलोसिटी एंगल, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेट जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, दैट इज VF2 V2 का, और यहाँ से जो है इतना इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया VW2, ठीक है ना। तो कोई अंतर नहीं है, जो सेंट्रिफ्यूगल पंप का वेलोसिटी ट्रायंगल था आप देख सकते हैं मैंने कराया हुआ है, वही सेम यहाँ पे है, तो कोई अंतर नहीं है, इसलिए जनरली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो द वेलोसिटी ट्रायंगल विल रिमेन सेम। नाउ अब बात आती है कैलकुलेशन की, तो वो कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जो वर्क डन वगैरह है उसकी कैलकुलेशन बच्चों करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वर्क डन वगैरह की कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं करनी है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली जो है वो आप सिंपल बेसिक तरीके से ही निकालेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन वो है आपके जनरल पैरामीटर्स, जैसे कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें मास फ्लो रेट की, ठीक है ना। तो मास फ्लो रेट तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मास फ्लो रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मास फ्लो रेट हम लोग क्या लेते हैं, दैट इज m डॉट को हम जनरली लिखते हैं ρAV1, है ना, ρAV1। अब रो को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की टर्म में भी लिख सकते हैं, तो AV1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम V1, इस तरह से, ठीक है ना। तो V1 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट, इनलेट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड V1, ठीक है, समझ ना। डिस्चार्ज रेडियली नहीं है बच्चों, डिस्चार्ज रेडियली तो होगा आपका मेनली, लेकिन रेडियली डिस्चार्ज डिफ्यूजर तक होगा, डिफ्यूजर से जब बाहर निकल रहा है तो रेडियली नहीं निकल रहा है बाहर आउटलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपका लगभग रेडियली बाहर निकलता है, लेकिन इट शुड हैव सम एंगल, ये 90 डिग्री नहीं होगा, मतलब बीटा, जैसे यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री बीटा नहीं होता है, ठीक है ना। तो बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, बीटा लेस देन 90 डिग्री यहाँ पे होगा। नाउ अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम एरिया क्या लेते हैं, तो एरिया याद होगा आपको कि हमने AD1B1 लिया था, πD1B1, तो यहाँ पे भी सेम वही है बच्चों, πD1B1, जिसमें D1 जो है डाया ऑफ इंपेलर है, डाया ऑफ इंपेलर है, और B1 जो है वो हमारा दैट इज विड्थ ऑफ द इंपेलर है, इंपेलर ब्लेड, इंपेलर ब्लेड, लेकिन इनलेट पे, ठीक है ना।
ठीक। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन वही रहती है, बस एरिया की जगह पे आप ये पुट कर दोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा दैट इज़ बी वन, और ये सब निकाल के आप सेम उसी तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला भी सेम वही होता है बच्चों, क्यू इज इक्वल टू पाई डी वन बी वन इंटू वी एफ वन, तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ रखें मान लीजिए एम डॉट पे, ए की जगह पे पाई डी वन बी वन इंटू वी वन अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम वी वन, तो वी वन आप सबको पता है बच्चों, वी वन जो है वो किसके बराबर है हमारा, वी एफ वन के, ठीक है ना। वी वन इज इक्वल टू वी एफ वन के बराबर है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखें एम डॉट इज इक्वल टू पाई डी वन बी वन इंटू वी एफ वन अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम वी वन। तो यहाँ से हम वी एफ वन वगैरह की कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, या विड्थ की कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए हमने जो एरिया ले रहे हैं उस एरिया में हम कहीं पर भी ब्लेड की थिकनेस वगैरह को नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिए, जब हम एरिया ले रहे हैं तो एरिया जब मैं लिख रहा हूँ एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो पाई डी वन बी वन, तो इसका मतलब साफ है यहाँ पे कि एरिया जब हम ले रहे हैं तो उसमें हम विदाउट टेकिंग ब्लेड, विदाउट टेकिंग ब्लेड थिकनेस, ठीक है, हम पूरी पेरीफेरी को ले रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर ब्लेड थिकनेस दी है तो याद रखिए वो माइनस करना पड़ेगा एरिया, मतलब सीधी बात है ना, ये गोल चक्कर है, इसमें अगर मैं बोलूं कि ये एरिया कितना है तो आपने सिंपल पाई डी बोल दिया, लेकिन अगर मैं बोलूं इस पाई डी में से इतना हिस्सा जो है वो ब्लेड, ब्लेड जो ये मेरी लाइन है ये भी कुछ एरिया कवर कर रही है, तो ये माइनस करना पड़ेगा ना, फिर जो बचा हुआ वही तो होगा, बस ये होगा एरिया, ठीक है ना, ये माइनस करना पड़ेगा। तो यही वाली बात है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इफ द इफ दी नंबर ऑफ नंबर एंड थिकनेस, कितने ब्लेड हैं और कितनी थिकनेस है ब्लेड की, आर कंसिडर्ड, अगर दी है तो ही करेंगे बच्चों, याद रखिएगा, अगर जिक्र करता है इसका तो ही, देन इफेक्टिव एरिया ऑफ ब्लेड विल बी, तब एरिया क्या होगा, तो तब याद रखिएगा दैट इज पाई डी माइनस पाई डी पेरीमीटर में से नंबर और इनटू थिकनेस एन टी, और बी तो रह गई, ठीक है ना, तो पाई डी बी इंटू एन टी बी, ये सिंपली आप ध्यान रखें, ठीक है ना, बाकी बी तो रह गई, पर ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि पाई डी माइनस एन टी ये हमें करना है, उस पैरामीटर में से एन टी जो है वो माइनस करना है, इतना एरिया माइनस करना है आपने, तब जाके वो एरिया कहलाएगा हमारा, ठीक है ना, समझ गए ना। तो चाहे आप ऐसा भी लिखें पाई डी बी माइनस एन टी बी, सिंपल समझ आ गई बच्चों बात, ठीक है। तो तब ऐसे में हम लोग यहाँ फॉर्मूले में जो है, ऐसे में हम लोग यहाँ फॉर्मूले में जो है, अगर एम डॉट के फॉर्मूला भी लिख रहे हैं तो पाई डी बी माइनस वाला करके लिखेंगे, समझ गए बात। डी आर बी क्या है, अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार, डी आर बी तो ब्लेड है, देखो ना, ये मान लीजिए मैं 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए, ये मान लीजिए रोटर शाफ्ट है, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ, ये रोटर शाफ्ट है, ठीक है, एक बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, ये मान लीजिए ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड है, तो इस ब्लेड का कोई भी आउटलेट पॉइंट होगा, ऐसे ही ब्लेड यहाँ भी होगा मान लीजिए, ऐसा ये ब्लेड है, तो इस ब्लेड का कोई आउटलेट पॉइंट होगा, ये मान लीजिए ब्लेड में कहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है मान लीजिए, दोनों तरफ में पानी, इनलेट पॉइंट ये है मान लीजिए, दिस इज इनलेट पॉइंट, और यहाँ पे इसको मैं आउटलेट पॉइंट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनलेट डाया कौन सा हुआ, ये सेंटर एक्सिस है, तो मैं यही बोलूँगा ना, दिस इज इनलेट डाया, दिस इज डी वन, एंड दिस इज आउटलेट डाया, दिस इज डी टू, है ना, ऐसे तो बोलूँगा, ये डी वन और डी टू है, समझ आ रही बात, ठीक है, एक बेसिक तरीके समझो, ये डी वन और डी टू है, डी वन और डी टू। नाउ अब अगर इसमें मैं विड्थ बोलूँ तो ऑब्वियस सी बात है, विड्थ जो है वो जनरली वेरी करती है, विड्थ अगर जनरली वेरी कर रही है तो याद रखिए मीन विड्थ ली जाती है, एवरेज, तो मीन विड्थ जो हुई वो एवरेज ही हुई। तो सेम अगर मैं बी वन बी टू बोल रहा हूँ, तो अगर अलग अलग दे रहा हूँ तो और आसान है,
तब अगर एवरेज ले रहे हो तब तो आप मीन ले लोगे, लेकिन अगर इनलेट आउटलेट की ले रहे हो तो ये हुआ बी वन, यहाँ की विड्थ, ये हुई बी वन यहाँ की विड्थ, और ये हुई आउटलेट साइड में मान लीजिए जो कोई विड्थ है बी टू, ठीक है ना। तो डी वन बी वन यहाँ लगाया हूँ मैं आपका एरिया, और वहाँ पे हुआ ये, ठीक है। एन क्या है, एन मैंने बताया ना अभी, नंबर ऑफ ब्लेड्स, एन जो मैंने बताया वो बताया नंबर ऑफ ब्लेड्स, भाई थिकनेस इतनी है, नंबर ऑफ ब्लेड्स इतने हैं, एंड टी इज दी थिकनेस ऑफ ब्लेड, ठीक है ना। भाई ओम भारती जी, आपने वेलोसिटी ट्रायंगल बिल्कुल नहीं पढ़ा है जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये वी वन यू वन ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जानना, तो इनको हाइड्रोलिक टर्बाइन्स वाले चैप्टर में ज़रूर पढ़िए आप, ठीक है ना। मैंने इम्पैक्ट ऑफ जेट में प्रॉपर बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप ज़रूर पढ़िए, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपके वी वन यू वन क्या है। तो वेलोसिटी ट्रायंगल जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज़ जाके वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़िए पहले, नहीं तो उसके बिना कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ये तो हम मान के ही चलेंगे कि ये सबको पता है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया विड्थ विड्थ क्या होता है ये सब, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात आप समझो बच्चों। नाउ अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन आती है जिसका फॉर्मूला मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे भी सेम वही है, डिग्री ऑफ रिएक्शन प्रेशर से आप लोग चला रहे हैं वेलोसिटी के, तो दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो सेम डिग्री ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन यहाँ पे भी आता है बच्चों। तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ रिएक्शन मतलब वही है कि कितना टोटल एनर्जी में से प्रेशर एनर्जी का कन्वर्जन रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिए, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिए सिंपली कि डिग्री ऑफ रिएक्शन जो हमारा है वो रेशियो किस किस का है, रेशियो ऑफ द प्रेशर राइज इन इम्पेलर, इम्पेलर में कितना प्रेशर राइज हो रहा है एज कंपेयर टू पूरे कंप्रेसर में कितना हो रहा है, प्रेशर राइज इन द इम्पेलर टू द स्टैटिक प्रेशर, प्रेशर राइज इन होल कंप्रेसर। तो बस वही है, प्रेशर एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। तो टोटल प्रेशर राइज कितना हुआ कंप्रेसर में एज कंपेयर टू इंपेलर में कितना हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ग्राफ के अकॉर्डिंग, जैसे हमने ग्राफ बनाया था यहाँ पे, ग्राफ हमारा अभी है यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ पे हम बोले डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम यही बोलेंगे ना कि भाई इंपेलर में कितना प्रेशर राइज हुआ है, तो हम सबको दिख रहा है कि इंपेलर में हमारा क्या हुआ, इंपेलर में कितना प्रेशर राइज हुआ है, तो हम सब देख सकते हैं यहाँ पे कि इंपेलर में हमारा इतना प्रेशर राइज हुआ हमें दिखाई दे रहा है, कि इंपेलर में इतना प्रेशर राइज हुआ है, ठीक है ना। ये दिस इज द प्रेशर राइज इन इम्पेलर एज कंपेयर टू टोटल प्रेशर राइज कितना हुआ है, तो टोटल प्रेशर राइज हम देख सकते हैं कि इम्पेलर में इतना हुआ है, ठीक है ना, इम्पेलर में इतना प्रेशर राइज हुआ है और उसके कंपेयर में टोटल इतना है, तो बस इन दोनों का रेशियो इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिएक्शन, सिंपल, इन दोनों का रेशियो इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिएक्शन, समझ आ गई बात, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो आप समझ सकते हैं। तो नाउ आप इसको चाहें तो आप फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कि डिग्री ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, दैट इज, अब पूरा फॉर्मूला मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ शॉर्ट में क्या आएगा फॉर्मूला कैलकुलेशन सारी करने के बाद, क्योंकि वेलोसिटी ट्रायंगल की सारी कैलकुलेशन होगी, तो सिंपल याद रखिए, वन माइनस वी डब्ल्यू टू अपॉन टू यू टू, वी डब्ल्यू टू अपॉन टू यू टू, दैट इज द फॉर्मूला केम फॉर अ डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। वेक्टर डायग्राम्स की कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तब ये निकल के आएगा, जिसमें आपको पता है वी डब्ल्यू टू इज दी वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड एट आउटलेट, ठीक है ना, एंड यू टू इज दी वेलोसिटी ऑफ ब्लेड एट आउटलेट, ठीक है ना, सिंपल। ये हमारा
सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड एट आउटलेट। क्लियर है, समझे बात? ठीक है, नाउ अब और आगे चलते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ रिएक्शन भी समझ गए हम लोग। ठीक है ना, अब इसका मैं आपको बता दूं वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनता है। ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनता है, तो वेलोसिटी ट्रायंगल जो हमने बताया उसी के जैसा वेलोसिटी ट्रायंगल और कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल बना सकते हैं। वैसे मेरे को नहीं लगता जरूरत पड़ेगी आपको कहीं, जरूरत है नहीं वैसे कहीं पर भी वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल की, वही जैसे थर्मल में बनाया था हमने कंबाइंड। ठीक है ना, तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं। कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल कंबाइंड मतलब होता है इनलेट और आउटलेट का एक साथ बनाना, इनलेट और आउटलेट का एक साथ बनाना। ठीक है ना, तो बोला ना मैंने बच्चों सेंट्रिफ्यूगल पंप के तरह ही तो है सब कुछ, यहाँ बहुत कम चीज़ों में अंतर है, मैं तो सब कुछ सेंट्रिफ्यूगल पंप ही है बस। तो यहाँ पे इनलेट और आउटलेट को एक साथ बनाना कैसे होता है कि इनलेट और आउटलेट में यहाँ सबसे कॉमन हम पहले वेलोसिटी लेते हैं V1। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे स्मूथ है, तो हम जो यहाँ पे कॉमन लेंगे वो ये लेंगे कि V1 इज इक्वल टू VF1 इज इक्वल टू VF1 जो है वो VF2 के बराबर है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो दोनों में हमने बराबर लिया है, तो बस वही कॉमन ट्राइंगल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू VF1 इज इक्वल टू VF2। ठीक है, नाउ VF1 का हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या क्या है यहाँ पे, तो V1 ये है, तो V1 से रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, सब वैल्यूज के हिसाब से बनता है, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये डेट इज अवर VR1। ठीक है, डेट इज अवर VR1, और VR1 और VR1 और V1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है U1। तो ये हमारा इनलेट का बन गया, देखो कंप्लीट, दैट इज अवर इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। ठीक है, थीटा। नाउ आउटलेट बनाना है आपको, अब आउटलेट में V2 वाली लाइन को कॉमन रखोगे और इसके भी कंपोनेंट बना दोगे, तो ये कंपोनेंट आ गया इसका V2, दैट कंपोनेंट इज V2, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता है VW2। बस अब आपको आउटलेट और रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट बनाना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट आता है कहाँ, वो आता है कुछ यहाँ, बस यहाँ, दैट इज योर phi, बस दैट इज VR2। बस ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये हमने जो लिए थे वो वही के वही हैं। ठीक है, दैट इज phi, दैट इज योर रिलेटिव वेलोसिटी phi, V2 हमारा बीटा, दैट विल बी थीटा, सिंपल, सॉरी अल्फा। ठीक है ना, बस तो ये कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल होता है बच्चों, तो ज़रूरत नहीं है इसके भी कुछ करने की। ठीक है ना, इसका कोई ऐसा यूज़ आने वाला नहीं है हमारे पास। ठीक है, नाउ अब एक थ्योरेटिकल पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, क्या कि आपसे कहीं पूछे व्हाट आर द लॉसेस इन सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो सबसे पहला बेसिक लॉस तो है फ्रिक्शन। ठीक है ना, इंपेलर ब्लेड में हमारा मेनली फ्रिक्शन, तो याद रखिए फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग एयर एंड इंपेलर ब्लेड्स के बीच में। ठीक है ना, मूविंग एयर और इंपेलर ब्लेड्स के बीच में। ठीक है, दूसरा कि एंट्री में जब एंटर करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्लेड में जस्ट जब एंटर करेगा और ब्लेड घूम रहा है ऑलरेडी, तो उस टाइम पे होता है एक शॉक क्रिएट, तो दैट याद रखिए दैट इज कॉल्ड शॉक एट एंट्री, वो भी एक तरह के लॉसेज में आता है, दैट इज कॉल्ड शॉक एट एंट्री। ठीक है, थर्ड वन इज कॉल्ड
एयर में क्या होता है भाई, जो वाटर था हमारा पंप के केस में, वाटर फिर भी एक मोशन में फ्लो करने वाला एलिमेंट है, सब्सटेंस जो है वो इस तरह का है। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में ज़्यादा टर्बुलेंस होती है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि मोर टर्बुलेंस कॉज्ड इन एयर, वो भी जो है वो लॉसेस क्रिएट करती है, क्योंकि गैस और एयर का जो नेचर है वो और भी ज़्यादा रैंडम है। तो पानी तो फिर भी एक मोमेंटम में फ्लो कर जाता है, लेकिन गैस जो है, एयर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रैंडम होती है, तो दैट्स वाई मोर टर्बुलेंस इन एयर। तो इनके वजह से जो है कुछ लॉसेस हमें नज़र आते हैं, ठीक है ना, जिसके वजह से जो प्रोसेस हमारी, अगर आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन होना था वो आइसेंट्रॉपिक नहीं होता है। तो अगर मैं इसको जनरली टीएस डायग्राम देखूँ, टीएस डायग्राम देखूँ, तो आप टीएस डायग्राम भी आराम से समझ सकते हैं कि एक प्रेशर लाइन मान लीजिए ये है और एक प्रेशर लाइन मेरी ये है, तो दिस इज पी टू प्रेशर लाइन, जहाँ तक मुझे प्रेशर राइज करना है, ये पी वन है। तो प्रेशर राइज करना नीचे से ऊपर को चलूंगा, तो अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा हूँ नीचे से ऊपर, दैट इज माई आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है, वन से टू एस। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, तो लॉसेस की वजह से क्या होगा, एक्चुअल में लॉसेस की वजह से क्या होगा, प्रोसेस जो है वो खिसक जाएगी, किधर की तरफ, ज़्यादा एंट्रॉपिक की तरफ, इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। तो प्रोसेस जो है वो यहाँ से स्टार्ट तो होगी लेकिन बड़ी एंट्रॉपिक की तरफ जाएगी, कुछ ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा कर्म में ले लीजिएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ टू। तो सेम बस नोजल और टरबाइन में जब हम बात करते हैं तो हम डाउनवर्ड आते हैं, कंप्रेशन में हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, इंक्रीज इन एंट्रॉपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेशन वर्क बढ़ गया, देखो इंक्रीज इन कंप्रेसर वर्क ड्यू टू, किसके वजह से, ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। एंट्रॉपी बढ़ेगी ना, तो गैस ज़्यादा एक्सपेंड होगी तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उसे, क्योंकि टेम्परेचर भी बड़ा है, तो टेम्परेचर भी बड़ा है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बड़ा है, समझ गए ना। तो इरिवर्सिबिलिटी भाई, लॉस बढ़ता है तो इरिवर्सिबिलिटी बढ़ती है, लॉस बढ़ता है तो इरिवर्सिबिलिटी बढ़ती है, इरिवर्सिबिलिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता है तो कंप्रेसर वर्क बढ़ता है। समझ आ रही ना बात, ये बेसिक सी आप बात ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल और आइसेंट्रोपिक में आप अंतर देख सकते हैं, तो बाकी सारा कैलकुलेशन बच्चों वही है, ठीक है। जब आप इसी डायग्राम को एच एस डायग्राम में बनाएंगे तो फिर एच एस डायग्राम में एफिशिएंसी वगैरह आप वैसे ही निकाल सकते हैं, जो मैंने वहाँ पे बताई थी आपको पहले भी, नोजल के केस में भी, ठीक है ना। तो अगर आप इसका एच एस डायग्राम बना रहे हैं और एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो एफिशिएंसी वही कहेंगे हम लोग, दैट इज आइसेंट्रॉपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क, ठीक है ना। सेम उसी तरह से तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अगर एच टू एस माइनस एच वन अपॉन एच टू माइनस एच वन, टू एस लगा दिया मैंने जो आइसेंट्रॉपिक है, क्लियर है। तो कोई अंतर नहीं है बच्चों, इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। समझ आए बच्चों बात, क्लियर है। बाकी कुछ और इसमें कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा, ठीक है ना। दैट इज़ अवर, ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा बेसिक सा है सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर का, और तो वो मैं आपको कल, क्योंकि एक्सेल भी बताऊंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लेक्चर में और बताऊंगा, दैट इज़ कॉल्ड सर्जिंग एंड चोकिंग, ठीक है। तो वो एक अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है। चलिए बच्चों, इस लेक्चर को ढंग से देखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। जिसने नहीं पढ़ा है, इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल्स को लेके कन्फ्यूजन हो रहा है, वो प्लीज़ प्लीज़ पहले जाके वेलोसिटी ट्रायंगल को पढ़िएगा, जो हाइड्रोलिक्स में पढ़ सकता है वो पंप वगैरह के, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।